हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाई रीणवा सर में। आज अपन पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या एक से ज़्यादा होती है, दो, तीन, चार, पाँच, तो वो और उनके द्वारा जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उनका एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उनके पूंजी खाते। साझेदारों में पूंजी खाते रखने की यहाँ दो विधियाँ हैं, स्थिर पूंजी विधि, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक मुख्य अंतर होता है। स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब इन दोनों अकाउंट में जो बातें लिखी जाती है वो यहाँ एक साथ लिख दी जाती है। तब तो ये स्थिर पूंजी विधि में तो अलग अलग और परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक साथ। तो साझेदारों के पूंजी खाते की कितनी विधियां हैं, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। परिवर्तनशील पूंजी विधि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन स्थिर पूंजी विधि की बात करते हैं। सबसे पहले स्थिर पूंजी विधि में दो अकाउंट ओपन होते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट को अपन चालू खाता कहते हैं, साझेदारों के चालू खाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे बाई साइड में टू बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस होता है जो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस यदि डेबिट हो तो आपको टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिखना है, टू बैलेंस बीडी। और ये बैलेंस यदि क्रेडिट हो तो आपको लिखना है बाई बैलेंस बीडी। यदि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है डेबिट है या क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट ही मानना है। फिर सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चारों चीज़ें कहाँ लिखनी है, बाई साइड में। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी अपने को कहाँ लिखना है, बाई साइड में। ऐसे करके ये कुल छह चीज़ें इस तरफ आई, ओपनिंग बैलेंस, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। उसके बाद डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ एक बात और याद रखनी है, का जो ड्राइंग होती है वो भी यहाँ इसी कॉलम में आएगी, क्योंकि तो अपन अभी तक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको ड्राइंग भी लिखनी है। यदि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लॉस हो जाए तो वो आपको कहाँ लिखना है, टू साइड में। इस साइड का टोटल, इस साइड के ये टोटल घटाने के बाद जो बैलेंस आया उसको अपन क्या कहेंगे, टू बैलेंस सीडी। यदि ये साइड ज़्यादा हो तो आपका बैलेंस बाई बैलेंस सीडी भी आ सकता है। ये था पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है, पार्टनर्स की जो ओपनिंग बैलेंस है वो बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखनी है बाई साइड में। यदि वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो बाई केस, यदि वो कैपिटल विड्रॉ करता है तो टू केस। ड्रॉइंग और कैपिटल विड्रॉ में अंतर है, यहाँ तो कैपिटल कम कर रहा है ये पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल विड्रॉ करे वो टू केस, और जो डिफरेंस आया जो शेष बचा उसे अपन कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। इस तरह ये थी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सेकंड जो मेथड है वो इसमें है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि में जो अपन ने वहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो करंट अकाउंट बनाया था
इसमें वो अकाउंट दोनों क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे जो अपन ने पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट बनाया था उसको यहाँ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एक तो आ गया अपने पास बाई बैलेंस बिडी ओपनिंग बैलेंस, सैलरी कमीशन बोनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। फिर टू साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस और जो अपने पास बैलेंस इन फिगर बचा वो अपन बैलेंस सी डी लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये दो विधियाँ थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। राजस्थान बोर्ड है उसमें एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है छोटा, सीबीएसई बोर्ड में भी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली एक छोटा क्वेश्चन है क्या स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में डिफरेंस क्या है, इन वॉट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो सिंपल है, उसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन से कैपिटल का बैलेंस बदलता रहता है। ये थी मुख्य इम्पोर्टेंट बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथी जो कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें, सीबीएसई के लिए भी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।